नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी साथियों। मैं राकेश सहारन स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार हरियाणा एग्जाम्स बाई एग्जामपुर में। लाडलो, आज मैं एक छोटा सा 5 मिनट का सेशन आपके लिए लेकर हाजिर हूं, जिसमें हम हरियाणवी भाषा या बोली की बात करेंगे। ठीक है, छोटा सा सेशन है हरियाणवी भाषा और बोलियां। ठीक है जी, हरियाणवी भाषा और बोलियां, स्पेशली फोकस है हमारा आज हरियाणवी भाषा पर। कब इसका विकास हुआ, कब इसकी उत्पत्ति हुई, इसका ये हिस्सा है, ओ क्या है भाई, कितनी यहां पर उपबोलियां हैं, ये चीजें हम आज की शाम 5 मिनट के अंदर हरियाणवी भाषा और बोली जो है ना टॉपिक हम कवर कर लेंगे। शुरू कहां से करते हैं, सबसे पहली बात आती है भाई हरियाणवी भाषा एवं बोली का विकास कहां से हुआ। हरियाणवी भाषा एवं बोली का विकास लाडलो कहां से हुआ, तो हरियाणवी भाषा एवं बोली का विकास क्या माना जाता है भी? ऐसा माना जाता है कि जो आज हरियाणा में बोली जाती है ना, देखो हरियाणवी क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे राज्य का नाम है हरियाणा और इसके साथ वी प्रत्यय लग गया तो ये हरियाणवी बन गया। जो हरियाणवी बोली आज हम लोग बोलते हैं यह हरियाणवी बोली ऐसा बताया जाता है कि आर्यों की मूल भाषा थी। ठीक है जी, विकास इसका क्या है भी, ये क्या थी, आर्यों की मूल भाषा। विद्वान बताते हैं कि हरियाणवी आर्यों की मूल भाषा थी जो आर्यों के साथ ही भारत आई थी। कब है, 1500 ईसा पूर्व में। आप सभी को पता है आर्य जो है ना भारत आए तो आर्यों के साथ आई, क्यों, क्योंकि आर्य हरियाणवी भाषा जो आज हमारी भाषा बोली है ना, ये हरियाणा आर्यों की मूल भाषा हुआ करती थी। ठीक है, वैसे हरियाणवी कोई भाषा नहीं है, एक बोली है। क्या है, बोली है। ठीक है जी, तो क्या है लाडलो, आर्यों के साथ ये क्या हुई थी, भारत में आई थी। अब हम देखेंगे भी किसका एक हिस्सा है या किसका एक विकसित रूप है, हरियाणवी बोली किसका एक विकसित रूप है। ठीक है, तो जो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां है ना, पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां, पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, पश्चिमी हिंदी की इन 5 बोलियों में से एक है हरियाणवी बोली। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां कौन कौन सी हैं, एक तो है भाई खड़ी बोली, कौन सी है, खड़ी बोली, या इसको हम कोरवी कहेंगे। ठीक है, दूसरी कौन सी है, हरियाणवी। दूसरी कौन सी है, हरियाणवी। एक ब्रज भाषा बोली भी जो है ना पश्चिमी हिंदी का ही भाग मानी जाती है, पश्चिमी हिंदी की एक बोली मानी जाती है। इसके अलावा बुंदेली, बुंदेली जो है ना वो भी क्या है, पश्चिमी बोली हिंदी के अंदर आती है। ठीक है, एक हो गई हमारी कनौजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणवी बोली जो है ना वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी की जो 5 बोलियां हैं उनमें से एक प्रमुख है हरियाणवी। ठीक है, कौन कौन सी है 5, ये खड़ी बोली, कोरवी, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली और कनौजी। अब बात आ जाती है कि पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ, तो पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ लाडलो शोर सैनी अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है शोर सैनी अपभ्रंश से। तो हम सीधे तौर पर जानेंगे तो हरियाणवी बोली किसका विकसित रूप है, हरियाणवी बोली शोर सैनी का विकसित रूप है। अभी क्या है शोर सैनी का, क्या है ये, क्या विकसित रूप है, क्लियर है ये चीजें। अब आ जाती है हरियाणवी बोलियां, हरियाणवी बोलियां भी कौन से जिले में कौन सी बोली बोली जाती है हरियाणवी। चलिए मैं आपको ऐसे समझा देता हूं ये चीज, ठीक है, सुनिएगा। हरियाणवी भाषा की उप बोलियां, हरियाणवी एक बोली है, आगे उसकी उप बोलियां हैं, क्योंकि पलवल में थोड़ी सी अलग बोली जाती है, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत यहां पर कुछ अलग बोली जाती है, सिरसा, फतेहाबाद का कुछ हिस्सा, हिसार, भिवानी का कुछ हिस्सा, यहां कुछ अलग बोली जाती है इसीलिए। तो यहां पर सबसे पहला नाम किसका आ जाता है भी, सबसे पहला नाम आ जाता है बांगरू का। सबसे पहला नाम किसका आ जाता है, सबसे पहला नाम आ जाता है बांगरू का। अब क्वेश्चन उठता है भाई बांगरू जो है ना, बांगरू नाम है किसने दिया था। ठीक है, तो किसने दिया था लाडलो, ध्यान से सुनना, डॉक्टर ग्रियर्सन ने। डॉक्टर ग्रियर्सन ने क्या किया था, उबड़ खाबड़ और शुष्क क्षेत्र को किसी समय बांगर कहा था। ठीक है जी, किसी समय बांगर कहा था, लेकिन आज के दिन ये बांगर हरियाणा की शान है, सबसे उपजाऊ क्षेत्र है।
ठीक है। बांगर जो मैदान कहां पाए जाते हैं, मैंने आपको अच्छे से करवाया है हरियाणा के मैदानों में। तो इसी बांगर शब्द के आधार पर, है ना, इसी बांगर शब्द के आधार पर एक पुस्तक है जिसका नाम है ए डिस्क्रिप्टिव ग्रामर ऑफ बांगरू। क्या है? ए डिस्क्रिप्टिव ग्रामर ऑफ ए बांगरू। और ये पुस्तक है किसकी? तो ये पुस्तक किसकी? अभी डॉक्टर जगदेव सिंह, ठीक है, डॉक्टर जगदेव सिंह ने अपनी पुस्तक ए डिस्क्रिप्टिव ग्रामर ऑफ बांगरू के अंदर क्या भी बांगरू भाषा को बांगरू के रूप में क्या किया है, परिभाषित किया है। जबकि बांगर शब्द किसने दिया था? डॉक्टर ग्रियर्सन ने। एक उबड़ खाबड़ और शुष्क क्षेत्र को उन्होंने बांगर कहा था, परंतु आज ये बहुत उपजाऊ बन चुका है। अब बात आ जाती है भी बांगरू या बांगड़ू भाषा किन किन जिलों में बोली जाती है। तो बांगड़ू या बांगरू भाषा कहां कहां बोली जाती है भाई? जींद, रोहतक, सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल आदि जिलों में लाडलो क्या है, आदि जिलों में बांगरू बोली जाती है, ठीक है जी। इसके बाद हरियाणवी भाषा की एक उपबोली आ जाती है जिसका नाम है अहीरवाटी। हरियाणवी भाषा की एक बोली और आ जाती है जिसका नाम है अहीरवाटी। नाम से ही स्पष्ट है जहां अहीरों का शासन हुआ करता था, ठीक है ना। वैसे राव साहब बोलते हैं, ठीक है, राव साहब इनको बोलते हैं भाई, ठीक है। तो अहीरवाटी बोली सिंपल सी बात है, कहां कहां बोली जाएगी? तो अहीरवाटी बोली जो है ना, ये बोली जाती है रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, दोनों मूल रूप से हैं। कुछ क्षेत्र जो है ना आपका इसका रहेगा गुरुग्राम का, कुछ क्षेत्र किसका रहेगा, कुछ अक्षेत्र कौन सी बोली में भी? अहीरवाटी बोली में। अहीरवाटी बोली में कुछ क्षेत्र किसका रहेगा? कुछ रहेगा भाई गुरुग्राम का, ठीक है। दिल्ली के पास के नजफगढ़ एरिया में भी कहीं ना कहीं अहीरवाटी बोली बोली जाती है, तो ये अहीरवाटी का क्षेत्र रहता है। इसके बाद आ जाती है मेवाती। इसके बाद कौन सी भाषा आ जाती है, बोली आ जाती है भाई? मेवाती आ जाती है। मेवाती मुख्यतः कहां कहां बोली जाती है? मेवाती नाम से ही स्पष्ट है, मेव बहुल इलाकों में बोली जाती है। हरियाणा में भी बोली जाती है, हरियाणा के पास लगते राजस्थान के कुछ इलाके में भी मेवाती बोली जाती है, मेवात के पास लगते उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके में भी मेवाती बोली बोली जाती है। हरियाणा के अगर मैं जिले डिफाइन करूं, हरियाणा के अगर मैं जिले डिफाइन करूं, तो आप देखिएगा, एक तो ये नू के अंदर बोली जाती है भाई, एक तो ये नू के अंदर बोली जाती है, दूसरा कुछ कुछ क्षेत्र में फरीदाबाद में, और कुछ कुछ क्षेत्र में गुरुग्राम के अंदर भी मेवाती बोली जो है ना बोली जाती है। इसके बाद आ जाती है बर्ज। इसके बाद आ जाती है बर्ज। बर्ज कहां पर बोली जाती है? बर्ज, बर्ज भाषा जो है ना, वैसे तो उत्तर प्रदेश के वृंदावन में, मथुरा में आदि क्षेत्र में बर्ज बोली जाती है, लेकिन बर्ज भारत में भी कुछ, सॉरी हरियाणा में भी कुछ कुछ क्षेत्र में बोली जाती है। तो कहां कहां पर बर्ज बोली बोली जाती है? तो मुख्यतः डिस्ट्रिक्ट एक ही आता है भी, पलवल। मुख्यतः एक ही डिस्ट्रिक्ट आता है पलवल। दूसरा थोड़ा बहुत कहां पर बोली जाती है भाई? थोड़ा बहुत फरीदाबाद के कुछ इलाकों में, फरीदाबाद के कुछ इलाकों में भी जो है ना बोली जाती है। और मुख्यतः कहां पर बोली जाती है? पलवल में बोली जाती है भी, ठीक है ना। कटु वचनों से रहित होती है, कैसी बोली है जो बहुत ही पोलाइट लैंग्वेज होती है, ठीक है, बहुत ही पोलाइट होती है, कटु और कठोर वचन इसके अंदर नहीं होते भी, ठीक है। अंतिम रह जाती है बागड़ी। अंतिम कौन सी रह जाती है? बागड़ी कैसे बोली जाती है, थोड़ा सा बोल के बताऊं। किसी को कह देते हैं ना, कोई किसी को ज्ञान देता है तो क्या कहते हैं? भाई ज्यादा समझदार मत बन, बागड़ी में क्या कहते हैं? गणो शाणो ना बने। क्या कहते हैं? घणो शाणो ना बने, ठीक है, बागड़ी में कह देते हैं ये चीज। तो बागड़ी कहां कहां बोली जाती है? कुछ क्षेत्र सिरसा का है, कुछ क्षेत्र सिरसा का है, कुछ अक्षेत्र किसका है भी? फतेहाबाद का। कुछ क्षेत्र किसका है? हिसार का। कुछ क्षेत्र किसका है? भिवानी का। कुछ क्षेत्र किसका है? दादरी का।
सीधी बात कहूं तो राजस्थान के साथ लगते इलाकों में, ठीक है। अब क्या है, मान लीजिए कि फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट एग्जांपल ले लो या सिरसा ले लो, सिरसा और फतेहाबाद में राजस्थान के साथ जहां इलाका लगता है वहां बागड़ी बोली जाती है, ठीक है। जैसे मैं जहां से बिलोंग करता हूं सिरसा जिले में, तो हमारे यहां जो है ना प्योर बागड़ी बोली बोली जाती है भाई, ठीक है। कैसी है मैंने आपको बोलकर सुना भी दिया। अब सिरसा और फतेहाबाद का कुछ इलाका कैसे भी, जो फतेहाबाद और सिरसा का इलाका शहरी इलाका हो गया वहां पर हिंदी हो गई, और पंजाब के साथ लगता है वहां पंजाबी बोली बोली जाती है। साथियों ज्यादा समय हम बर्बाद नहीं करेंगे, और आप अपनी नॉलेज को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए, हरियाणा जी के स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हरियाणा सीटी में टॉप पोजीशन पर आने के लिए हर रोज सुबह 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। अब से हमने शुरू कर दिया एक शानदार सीरीज, हर रोज सुबह 8 बजे हरियाणा एग्जाम सभा एग्जामपुर पर हरियाणा जीके का लाइव सेशन लेकर आता हूं। 10 अप्रैल को शाम 5 बजे रीजन हरियाणा जी के, सॉरी माफ कीजिएगा, 10 अप्रैल शाम 5 बजे हरियाणा जीके की महामैराथन पूरे 6 घंटे की क्लास 5 से 11 बजे तक आपके लिए लेकर आ रहा हूं, जिसमें हरियाणा जीके, मिक्स जीके और करंट अफेयर और उनकी कंप्लीट डिटेल आपको करवाऊंगा। सभी साथी 10 अप्रैल शाम 5 बजे जरूर लाइव आइएगा, हर रोज सुबह 8 बजे लाइव आया कीजिए। जय हिंद, जय भारत।